नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के तराई अंचल के ग्राम पंचायत पुरौना में युवा एकता परिषद के संस्थापक बेवहर भैया की स्मृति में बेवहर भैया स्मृत तरहार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल सहित भारी संख्या में खेल प्रेमी एवं संगठन के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा सूर्या मौजूद रहे। कार्यक्रम में युवा एकता परिषद के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा सूर्या ने अतिथियों का स्वागत किया एवं समापन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के द्वारा किया गया। बताते चले कि रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा के पुराना पंचायत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी कर्मठी व्यक्तित्व के धनी और ईमानदार नेतृत्व के धनी युवा समाज सेवी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए युवाओं द्वारा ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से याद कर मनाया गया है। ग्राम वासियों का मानना है कि स्वर्गीय पंडित सचिन द्विवेदी बेवहर भैया व्यक्तित्व के धनी और जनप्रिय गरीब असहायों के लिए हर वक्त खड़े होने वाले युवा व्यक्ति को हम कैसे भूल सकते हैं। आज भी हम ग्राम वासी उन्हें अपने दिलों में जिंदा रखते हैं और सदैव याद करने के लिए ग्राम स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन को माध्यम बनाया गया है। बघेली फिल्म प्रोड्यूसर लवलेश रजक व रिया जी की घोषणा के अनुसार फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज को 2100 रुपए का पुरस्कार दिया गया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए राजमणि पटेल जी ने कहा कि खेल भावना प्रेम को विकसित करती है और अगर प्रेम सौहार्द से पूरे देश को चलाया जाए तो हमारा देश बहुत आगे तक जा सकता है। कार्यक्रम के समापन पर क्षेत्र के विशिष्ट नागरिकों के साथ क्षेत्रवासी व वरिष्ठ खेल प्रेमी मौजूद रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर अमन शुक्ला आर्यन की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। और आज हम सभी इस कार्यक्रम में जिनको सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय राजमणि पटेल जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें आप लोग। हमारे देश में आए हमारे स्वामी जी और यहाँ पर इस कार्यक्रम के हमारे आयोजक भाई सचिन जी तथा सभी हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शकगण, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं इस प्रतिभा के चरणों में नमन करता हूँ जिन्होंने नौजवानों को इकट्ठा करने की एक दिशा दिया, जिन्होंने वास्तव में इस टूर्नामेंट के उसमें लगा कि नाम से पद और होने से तो कई कार्य होते हैं लेकिन ये टूर्नामेंट याद दिलाता है कि ये व्यवहार नहीं कहते हैं कि व्यवहार का टूर्नामेंट है। उन्होंने व्यवहार के माध्यम से समाज के दिल को जीतने का जो प्रयास किया है और उस दिशा में नौजवानों की अगुवाई किया है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं और उनको मैं नमन करता हूँ। आज नौजवान, आप सब जानते हैं कि हमारा युवा भारत है और युवा भारत में नौजवान ही हमारे भारत का भविष्य है और नौजवान ही एक ऐसी ताकत है जिसमें हर तरह के परिवर्तन की क्षमता है। लेकिन वो नौजवान जिस तरह बिजली होती है, पावर, बिजली में कितनी शक्ति होती है, कितना बड़ा पावर होता है, लेकिन वो पावर कब होती है, जब वो बिजली, वो पावर अनुशासित रहता है, अपने दिशा में रहता है, सकारात्मक सोच के साथ रहती है, तब वो पावर बन जाती है। और उस पावर से कितना निर्माण होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही बिजली अगर अनुशासित हो नहीं रहती, अगर वो तितर बितर हो जाती है तो फिर वो क्या हाल करती है उसको भी आप जानते हैं, उससे विनाश होता है। तो आज अगर हमारे इस देश की तरुण माने तरुणाई की शक्ति, युवा शक्ति अगर अनुशासित होकर के व्यवहार के माध्यम से दिलों को जीत करके अगर इस देश को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो निश्चित रूप। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक